अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 16 का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इस चैप्टर को एग्जामिनेशन पॉइंट से अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में से एमसीक्यूज भी पास्ट पेपर में आ चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। बाज़ दफ़ा इस चैप्टर में दो शॉर्ट क्वेश्चन उठाते हैं, बाज़ दफ़ा तीन शॉर्ट क्वेश्चन उठाते हैं। और इस चैप्टर में से 90% चांस होता है कि इस चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन भी उठाया जाता है। मतलब ये वाला जो चैप्टर है ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 16 जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये इजी भी है। आपकी पूरी केमिस्ट्री में सबसे इजी चैप्टर ये वाला है, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े होते हैं। सही, उन टॉपिक्स की बात की जाए तो उसमें एसिड रेन आ जाता है, ओजोन लेयर आ जाती है, पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है। सही है, तो मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ी होती हैं, सिर्फ दोबारा यहाँ पर एक दफ़ा पढ़ेंगे इनको। कुछ चीज़ें शायद कुछ चीज़ें आपको नहीं मिले यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करेंगे। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स, ये केमिकल की स्टडी करती है एंड और इसके अलावा पॉल्यूटेंट्स की स्टडी करते हैं। कहां पे पॉल्यूटेंट्स? इन एनवायरमेंट। इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इस कार्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके अलावा इसका एक और भी डेफिनेशन की जाती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इट्स एनवायरमेंट। के एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स की स्टडी की जाए और इसके अलावा इंसान का अपने माहौल पे क्या असर है। मसलन अगर इंसान कोई फ्यूल वगैरह जलाता है, उसकी वजह जो पोल्यूशन होती है वो पोल्यूशन हवा में जाती है, उसकी वजह से कौन कौन से असरात इंसानों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, पौधों के ऊपर पड़ते हैं, इस चीज़ की स्टडी को भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर देखी जाए वो है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। अब पास्ट पेपर में इस तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुका है, डिफाइन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की तारीफ करनी है आपने एंड राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। तो ये पास्ट पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की तारीफ करो और माहौल के जो कंपोनेंट्स हैं उनके नाम लिखें। तो स्टार्ट करते हैं, आप कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट की बात कर लेते हैं। चार कंपोनेंट्स हैं, नाम याद रखने हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन भी यहीं पर हम करेंगे। तो कितने कंपोनेंट्स हैं हमारे पास? चार कंपोनेंट्स हैं, देयर आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के चार कंपोनेंट्स हैं जी, कौन कौन से? पहले नंबर पे एटमॉस्फेयर है, इसके बाद हाइड्रोस्फेयर है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लिथोस्फेयर है। सारे कंपोनेंट्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे यहां पे, और लास्ट वाला कंपोनेंट हमारे पास बायोस्फेयर। ये चार कंपोनेंट्स के नाम है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो आपको डेफिनेशन पूछेगा और सिर्फ कंपोनेंट का नाम पूछेगा। सही है, अब बाकी जितने भी कंपोनेंट्स के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं, इन सब कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कंपोनेंट आ रहा है वो है एटमोस्फेयर। वो क्या है हमारे पास? एटमोस्फेयर। अब ये एटमोस्फेयर क्या होता है? ये हमारी जमीन है ना।
ये सपोज करिए हमारी जमीन है, अब जमीन के इर्द गिर्द गैसें हैं, जमीन के इर्द गिर्द क्या है हमारे पास है? गैसेज हैं जिसको जमीन ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिसको इन गैसेज ने जमीन को चारों तरफ से घेरा हुआ है। इन गैसेज की कंसंट्रेशन जमीन के करीब ज्यादा होती है, जिस तरह हम दूर जाते रहते हैं इन गैसों की मिकदार ऐसा ऐसा कम हो जाती है। अब जो जमीन के इर्द गिर्द गैसों का ये गलाफ सा है ना, इनवेल्प है, इसको एटमोसफेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमोसफेयर। आपने 10th क्लास में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, द इनवेल्प ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर। वो डेफिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जी डिफरेंट गैसेज विच सराउंड अर्थ, मुख्तलि गैसेज जो कि जमीन को चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसको एटमोसफेयर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एटमोसफेयर का नाम दे रहे होते हैं। सही है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। डिफरेंट गैसेज, ये सबसे पहले डेफिनेशन हम लिख लगे हैं, डिफरेंट गैसेज विच सराउंड अर्थ, विच सराउंड अर्थ, जो जमीन को घेरे हुए हैं इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? इज कॉल्ड एटमोसफेयर। इसको एटमोसफेयर का नाम दे रहे होते हैं। क्या मतलब कैसे जिन्होंने जमीन को चारों तरफ से घेरा हुआ है वो एटमोसफेयर है। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हमारे पास इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं, हमारे मतलब एटमोसफेयर में कौन कौन सी गैसें हैं, कितने कितने परसेंट हैं, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा अगर एक और चीज आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँ, तो एटमोसफेयर को चार लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, जो कि आपके लेवल तक है, यहाँ पर उनका नाम नहीं लिखे हुए। बेसिकली एटमोसफेयर को चार लेयर्स में डिवाइड किया होता है। एक होता है सबसे टॉप के ऊपर, जो जमीन से जस्ट ऊपर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम रहते हैं, इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मेसोस्फेयर, और लास्ट में थर्मोस्फेयर आता है। ये चार लेयर्स के नाम है, अगर याद करने हो तो कर लीजिएगा, वन इसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मेंशन नहीं किए हुए। ठीक है, तो अब कंपोजिशन में हमारे पास आता है कि जो हमारा एटमोसफेयर है, जब हमारे इर्द गिर्द गैसें हैं, कौन सी गैस कितने परसेंट है, कौन सी गैस है? कितने परसेंट पाई जाती है, इनकी वजाहत करनी है। चले जी, तो पहला नंबर में द कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर इज गिवन एज सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होती है 78% एंड टू गैस, नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट अबाउट 78%। इसके बाद ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट अबाउट 21%। थर्ड नंबर पर होती है आर्गन गैस, आर्गन इज प्रेजेंट अबाउट 0.9%, 0.9%। और लास्ट वाली जो गैस होती है वो हमारे पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसकी परसेंटेज है 0.03%। ठीक है, मेजर गैसेस यही हैं। अब यहां पर देख लो आपके एटमॉस्फेयर का 99% हिस्सा ये दो गैसें बना रही हैं, 78 + 21 करोगे 99% बनता है। 99% हिस्सा हमारे हवा का कौन से गैसें बना रही हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन से गैसें बना रही है हमारे पास? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, अब इसके बाद ना नेक्स्ट जो बात आपने याद रखनी है, अब जो एटमॉस्फेयर की बुलंदी है ना, याद रखिए जो बुलंदी ये जो वैल्यूज होती है ना, ये थोड़ी बहुत मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ आपको मिलती हैं। आप नेट पे जाकर सर्च करोगे आपको वैल्यूज थोड़ी बहुत डिफरेंट मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये तकरीबन जमीन से ऊपर की तरफ 100 किलोमीटर तक के रीजन में ऑलमोस्ट तकरीबन सारी गैसें पाई जाती हैं। सही, कैसे पाई जाए सारी गैसें? सॉरी, 1000 किलोमीटर तक तकरीबन सारे गैसें इतने एरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, 1000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर का एरिया होता है। सही, उसके बाद हमारे पास बिल्कुल स्पेस खर्च शुरू हो जाती है, मतलब वहां पे कोई भी गैस मौजूद नहीं होती। अब कंपोजिशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट देखो, ये वाली गैसें तो हैं ही हैं, इसके अलावा कुछ गैसें बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं,
वो गैसें कौन कौन सी हैं वो भी हम लिखते हैं। सही है, सम गैसेस आर प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटी इन ट्रेस, कह लो ट्रेस अमाउंट, बहुत कम मिकदार में। ट्रेस का मतलब है जो ना होने के बराबर हो। विच आर जो कि होती हैं, कौन कौन सी गैसें हो सकती हैं, विच आर हाइड्रोजन गैस हो सकती है, इसके बाद फ्लोरीन गैस हो सकती है, इसके बाद क्लोरीन गैस हो सकती है, हीलियम गैस हो सकती है, नियोन हो सकता है, आर्गन हो सकता है, क्रिप्टॉन हो सकती है। सही है, ये वाली गैसें ये बहुत कम मकदार तक एटमोसफेयर का, मतलब ये 0.01% ये सारी की सारी गैसें मिलकर बना रही थी ऑलमोस्ट। ठीक है, बाकी 99% तो यही बना रहे हैं। ठीक है, इनकी मकदार ना होने के बराबर हवा के अंदर होती है, लेकिन होती हैं। याद रखिएगा, ये जितनी भी गैसें ये हवा के अंदर होती हैं, लेकिन इनकी मकदार बहुत कम है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि एटमॉस्फेयर का जो एरिया है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर, जमीन से ऊपर की तरफ 1000 किलोमीटर तक चले जाओ उसके ऊपर एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा। वहां पे उससे ऊपर कोई भी गैस नहीं पाई जाएगी, स्पेस पाई जाएगी। ठीक है, द एरिया ऑफ एटमॉस्फेयर लाई अप टू 1000 किलोमीटर अबव अर्थ, जमीन से ऊपर ऊपर 1000 किलोमीटर तक इसका एरिया हो सकता है एटमॉस्फेयर का। जमीन से ऊपर 1000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर का एरिया हो सकता है। ये हमारे पास आ गई जी एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन। अच्छा, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के बाद एक और चीज जो कि आपने याद रखनी है, देखो जमीन से 1000 किलोमीटर, जमीन से ऊपर की तरफ 1000 किलोमीटर तक कितने गैसें आ जाती है, 100% गैसेज आ जाती है। ठीक है, लेकिन जमीन से सिर्फ 5.6 किलोमीटर ऊपर, कितना 5.6, जमीन से 5 किलोमीटर ऊपर जाना है, 5.5 किलोमीटर, जमीन से 5.6 किलोमीटर के एरिया में तकरीबन 50% गैसेज आ जाती है, और बाकी ऊपर वाला कितना हिस्सा बच गया, 995 किलोमीटर। ऊपर वाला कितना बच गया, 994 कह लो या 995 कह लो, उसके अंदर बाकी 50% होता है। इसका मतलब क्या है कि जमीन के करीब करीब गैसों की मकदार ज्यादा है, और जिस तरह जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं इसी तरह गैसों की मकदार ऐसा ऐसा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अच्छा, अब जमीन के करीब करीब गैसेज की मकदार क्यों ज्यादा है, जमीन के करीब करीब गैसेज की मकदार ज्यादा होने की मेन रीजन यह है कि ग्रेविटी जो होती है गैसेज को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से गैसेज जमीन के करीब करीब रहती हैं। अगर ग्रेविटी गैसेज को खींचना बंद कर दे तो ये गैसेज यहाँ से ऐसे ऐसे खुद ब खुद ही मूव कर जाएंगी। ठीक है, तो ये रीजन है बेसिकली, ग्रेविटी जो होती है जमीन की तरफ खींच कर रखती है गैसेज को, जिसकी वजह से जमीन के करीब करीब गैसों की मकदार ज्यादा है, और जिस तरह हम जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं दूर जाएंगे गैसेस की मकदार ऐसा ऐसा कम होती जाएगी, और एक वक्त आएगा स्पेस आ जाएगी और वहां पे कुछ कोई भी गैस मौजूद नहीं होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब यही बात मैं यहां पे लिखूंगा, अबाउट 50% ऑफ एटमॉस्फेयर, अबाउट 50% ऑफ एटमॉस्फेयर इज लाई, ये पाया जाता है कहां पे, विद इन 5.6 किलोमीटर। 50% का मतलब है आधा, हाफ ऑफ एटमॉस्फेयर मैसेज, इस तरह भी कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर का आधा मास 5.6 किलोमीटर के अंदर अंदर पाया जाता है। सही है, तो ये हो गया जी हमारे पास एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन। कंपोजिशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज यहां पे आ रही है, वो है कि एटमॉस्फेयर हमारे एनवायरनमेंट के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर एनवायरनमेंट, फॉर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर का क्या रोल है, इसको यहां पे हम डिस्कस करेंगे, इसको यहां पे हम डिस्कस करने लगे हैं। अब देखो कुछ गैसेस की, अब बता दें नाइट्रोजन 78% है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में इस्तेमाल होती है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या बनाते हैं, बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को पकड़ते हैं
पौधों को प्रोवाइड करते हैं, पौधे इसको प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद है जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास, यहां पे आर्गन नहीं आएगा, यहां पे आर्गन ऑलरेडी दिख रही है। ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास आपको पता है ब्रीथिंग में यूज होती है, इंसानों के जिंदा रहने के लिए बड़ी जरूरी है, ऐसा है ना, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां यूज होती है, फोटोसिंथेसिस में, सही है। पौधे अपने खुराक तैयार करने के लिए या फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये इंपॉर्टेंस आ गई। इसके अलावा एक गैस है ओजोन, सही, यहां बिछा के नहीं लिखा है लेकिन ओजोन गैस पाई जाती है, यहां लिखना हो तो लिख ले, सही है, चलो यहां पर लिख देता हूं। ओजोन गैस है O3, इसका फार्मूला होता है। अब जो ओजोन गैस है, इस ओजोन गैस के सबसे खास बात यह है कि ये एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है, और ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, या फिर कॉस्मिक रेज होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, अगर ये जमीन पर पहुंचनी शुरू हो जाए तो काफी सारे लोगों को कैंसर की बीमारी होनी शुरू हो जाएगी, आंखों की बीमारी होनी शुरू हो जाएगी। कॉस्मिक रेज को और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन गैस यहीं पर एब्जॉर्ब कर लेती है, ये इसका रोल आ गया। मतलब ये चांद एक है जो हमारे पास एटमॉस्फेयर का रोल है, कि अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता तो हमारे पास इंसान सांस नहीं ले सकते थे, पौधे अपनी खुराक नहीं तैयार कर सकते थे, नाइट्रोजन फिक्सिंग मटेरियल नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते थे, ओजोन गैस ना होती तो बाहर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉस्मिक रेज जमीन पर आती है, जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता, सही, और इसकी वजह से जमीन के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट ना करती। याद रखिएगा, अगर आपने ना जिस तरह लाइफ स्टार्ट हुई है, लाइफ स्टार्ट होने का अगर प्रोसीजर पढ़ाओ ना, तो उसमें आपके एटमॉस्फेयर में पहले नंबर पर ओजोन गैस बननी शुरू हुई है। ओजोन गैस की वजह से क्या हुआ कि सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और हाई एनर्जी रेस है वो बाहर जज़ब कर लेते थे, जमीन तक ये रेस बहुत कम आती थी, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर ऐसा ऐसा कम हुआ। याद रखिए, जब जमीन ये कंसिडर किया जाता है, जब जमीन बनी थी उस वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, सही है, वो बिग बैंग थ्योरी मतलब आपने पढ़ी होगी, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, तो क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसा था ओजोन की लेयर बनी, ओजोन लेयर क्या हुआ, बाहर से जो एनर्जी वाली रेज आ रही थी उसको रोकना शुरू कर दिया, ऐसा विद द पैसेज ऑफ टाइम जमीन का टेम्परेचर कम होता गया, और इतना कम हो गया कि रहने के लिए ये जमीन हमारे काबिल होगी, ठीक है। तो ये चंद एक हमने बातें यहाँ पर लिखनी है, चले जी स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर हम कौन सी बात लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस जो होती है इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग इन एनिमल्स में ना, याद रखिएगा इंसान और जानवर सारे आ जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, पौधों के लिए और जानवरों के लिए सांस लेने की बड़ी जरूरी है ऑक्सीजन गैस। इसके बाद सेकंड नंबर पे नाइट्रोजन गैस की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड बाय यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। इसके अलावा ओजोन गैस की बात कर लेते हैं, O3 गैस, सही है, O3 गैस जो होती है एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशन में हमारे पास कॉस्मिक रेज आ जाती हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाती है, हार्मफुल रेज कमिंग फ्रॉम सन एंड प्रोटेक्ट, और ये महफूज रखती हैं, किस चीज को महफूज रखती हैं, आवर अर्थ को, हमारी जमीन को ये महफूज रख रही होती हैं। तो ये था जी हमारे पास, अभी हमने एटमॉस्फेयर की एक्सप्लेनेशन की है, हाइड्रोस्फेयर लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर अभी पढ़ा हुआ है, सही, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर लेंगे। अब याद रखिएगा, अगर इसका लॉन्ग क्वेश्चन आया ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछने का स्टाइल बता रहा हूं, और 90% चांसेस है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह पूछता है। डिफाइन एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर की तारीफ करें एंड और एक्सप्लेन और वजाहत करनी है एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कोई से दो कंपोनेंट एटमॉस्फेयर के, सॉरी डिफाइन एटमॉस्फेयर नहीं आएगा, डिफाइन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन इट टू कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं जी ये वाले, तो कोई से दो एनवायरमेंट के कंपोनेंट आपने एक्सप्लेन करने हैं, सही है। तो ये आपके सामने है, अभी एक कंपोनेंट हमने एक्सप्लेन किया एटमॉस्फेयर वाला, अभी तीन कंपोनेंट पढ़ेंगे, छोटे छोटे, ये ज्यादा बड़े नहीं, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा बड़ा था, सही है। हाइड्रोस्फेयर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, हाइड्रोस्फेयर है जी जमीन के ऊपर पानी, हाइड्रोस्फेयर में हाइड्रो मीन होता है वाटर, सही है। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर में हमारी जमीन के ऊपर पानी आ जाएगा, अब पानी कितने परसेंट समंदर में, 97% पड़ा हुआ है समंदर के अंदर होता है, 2% ग्लेशियर आइस कैप्स यहाँ पाया जाता है, 1% हमारे यूज में, ये बातें हमने लिखनी है। लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर हमारी जमीन के मुतालिक है, हमारी जमीन पर रेत मट्टी पहाड़ ये वाली चीजें हमारे लिथोस्फेयर में आ रही होती हैं। अब लिथोस्फेयर में अगर पहाड़ की बात की जाए, जमीन की बात की जाए, तो कितने परसेंट इसमें कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, ऑक्सीजन होता है, मतलब ये हमें भी कंपोजिशन लिखनी है आपने। और बायोस्फेयर के बारे में मुझसे बेहतर आप जानते हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, सही है। तो बायोस्फेयर में हमारे पास आ जाती है जिंदगी सारी की सारी, सही, जिस जहां पर भी हमारी जमीन के ऊपर किसी जगह पर जिंदगी एग्जिस्ट करती है वो बायोस्फेयर में आएगी, सही है। तो बायोस्फेयर में जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है बायोस्फेयर का वो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने माहौल के साथ जो इंटरेक्शन है, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम की डेफिनेशन करनी हो, ये खत्म हो जाना, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी कंपोनेंट को डिस्कस कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आता है वो ये वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है वो मैंने ऊपर लिख दिया है, और इसके अलावा एटमॉस्फेयर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसकी कंपोजिशन का आ सकता है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर देखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही वाला है, सही, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का याद कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कोई से दो कंपोनेंट को एक्सप्लेन करें, और बाद दफा वो दो कंपोनेंट में एटमॉस्फेयर को प्रोमिनेंट कर देता है कि आप एटमॉस्फेयर कंपोनेंट को एक्सप्लेन करो, उसकी कंपोजिशन वगैरह को भी एक्सप्लेन करो, कितनी कितनी कंपोजिशन है, सही है। तो इसमें कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं है, ये वाले ऑलरेडी आपने पढ़े होते हैं, ये वाले आपने 9th क्लास में पढ़े चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये सारी कंपोजिशन दी गई, और 10th क्लास में एटमॉस्फेयर चैप्टर उसमें के अंदर ये सारी कंपोजिशन दी गई है, सही है। तो अब ये सेकंड ईयर में दोबारा फिर आ गए, तो इसको देख लीजिएगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, सिंपल सा लेक्चर है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।